अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तौसीफ जी और आप देख रहे हैं दीजी नोट्स यूट्यूब चैनल। तो गाइज एच सी आई चैप्टर नंबर 7 इंटरेक्टिंग फ्रेमवर्क्स को मजीद आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे हम अबाउट बेली का फ्रेमवर्क जो है वो यहाँ पे जो है प्रैक्टिकली करेंगे कि ये केस क्या होता है और किस तरह जो है ये परफॉर्म करता है। ये हमारे इंट्रैक्शन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है अबाउट बेली फ्रेमवर्क। तो एक को कहते हैं यूज़र और यहाँ पर सिस्टम होता है और इनपुट आउटपुट को मतलब क्लासीफाई किया गया है। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि हमारे पास जो इंटरेक्टिंग फ्रेमवर्क हैं वो हमारे पास 2 है। इस एक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक को 7 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। अब इंटरेक्टिंग फ्रेमवर्क बेसिकली क्या है? तो जब हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो हमारे इंटेंशंस क्या होती है, हम गोल किस तरह देते हैं, वहाँ पे इवोल्यूएट किस तरह होता है, एग्जीक्यूट किस तरह होता है। तो इन सारी चीज़ों को क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है मुख्तलिफ पार्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे जो अबाउट बेली है वो क्या कहता है कि कंप्यूटर पे अगर आप कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं या करते हैं तो यहाँ पे आपके 4 पार्ट बनते हैं, मतलब कंप्यूटर और आपके इंट्रैक्शन के 4 पार्ट बनते हैं। ठीक है, तो यूज़र होता है, यूज़र क्या करता है, आर्टिकुलेट करता है इनपुट को, क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है, गोल को इस्टेब्लिश करता है, जहन में रखता है कि मैंने ये चीज़ करनी है और क्लिक दबाता है। तो अब जब क्लिक दबाता है तो इनपुट के ज़रिए से अब क्लिक क्या करेगा, सिस्टम में जाएगा और सिस्टम क्या करेगा, परफॉर्म करेगा उस इनपुट को। तो जैसे ही इनपुट को परफॉर्म किया जाता है तो सिस्टम क्या कहता है, सिस्टम हमारे यूज़र के इंटेंशंस को देखता है कि वो क्या करना चाह रहा है। सही है, अब सिस्टम क्या करता है, सिस्टम उस क्लिक के मुताबिक, उस यूज़र के गोल के मुताबिक क्या करता है, प्रेजेंटेशन करता है हमारे जो हमने एक माई कंप्यूटर को सपोज खोला है तो उस माई कंप्यूटर को क्या करता है, प्रेजेंट करवाता है आउटपुट पे, हमारे स्क्रीन पे आउटपुट पे हमें जो है दे देता है कि आपने ये चीज़ मांगी थी। ठीक है, हमने अगर एक क्लिक किया है तो वो वहाँ पे थोड़ा सा ब्लू हो जाता है, अगर हमने डबल क्लिक किया तो वो माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें प्रेजेंट किया गया है आउटपुट है। सही है, अब जब आउटपुट में हमें मिलेगा तो अब यूज़र उसको ऑब्ज़र्व करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा कि हाँ ये वो चीज़ थी जो मैंने मतलब मांगी थी, मैंने डिसाइड की थी, मैंने गोल जो है यही किया था या नहीं किया था। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरेक्टिंग फ्रेमवर्क के सेकेंड पार्ट पर, जो कि डोनाल्ड जो है हमारे पास नॉर्मल फ्रेमवर्क मॉडल है, तो उसके 7 स्टेजेस को गो थ्रू करेंगे। तो आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।